Hi guys, I am Abad Ali and welcome to my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. Students, आज हम लाए हैं आपके लिए मॉडल का वीडियो जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ मे. और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वीडियो यूज ऑफ कैन पर बनाया जा चुका है और यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ मे दोनों को ही देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक कि आप दोनों वीडियोस को एक साथ नहीं देखते और उनमें कंपेयर नहीं करते तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि यूज ऑफ मे और यूज ऑफ कैन में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है और कई सारे डिफरेंसेस भी हैं. चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं कि मे और कैन में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बच्चों मे, तो आप मे में देखेंगे कि इसका हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं. जबकि आप यूज ऑफ कैन देखेंगे तो आप उसमें भी पाएंगे कि उसका हिंदी अर्थ भी सकता है, सकती है, सकते हैं. इट मीन्स कैन और कैन की सीरीज में और मे की सीरीज में जो हिंदी मीनिंग है वो सेम है, क्योंकि कैन और कैन के यूजेस और यहाँ पर मे के यूजेस, क्योंकि इसमें भी चार लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से कैन में भी चार लिखे हुए हैं, उनका जो हिंदी मीनिंग है वो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है उनके सेंस एंड फीलिंग्स में है, यानी कि उनके भाव में डिफरेंस बताया गया है. क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, उससे पहले हम हिंदी कंसल्ट कर लेते हैं. मे बी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हो सकता है, हो सकती है और हो सकते हैं, जबकि मे हैव का अर्थ होता है रख सकता है, रख सकती है, रख सकते हैं और पास हो सकता है. और फोर्थ है मे प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. यानी कि बच्चों याद रखना, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, जिसमें कोई कार्य पूरा हो चुका होता है. थर्ड फॉर्म का ये सबसे मुख्य एक अहम पॉइंट है जिसका हिंदी अर्थ कुछ यूं निकलेगा, वो होगा, होगी, होगे. तो आप देखेंगे जब आप यूज ऑफ कैन और उसके सारे यूजेस देखेंगे और जब आप यूज ऑफ मे और इसके सारे यूजेस देखेंगे तो आप देखेंगे इनकी जो हिंदी है वो सिमिलर है. किसकी किसकी? कैन और मे की हिंदी सेम, मे बी और कैन बी की हिंदी सेम, मे हैव और कैन हैव की हिंदी सेम, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म और कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म की हिंदी सेम. फिर डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस हैं इनके सेंटेंसेस के प्रस्तुत किए गए भावनाओं यानी कि एक्सप्रेशंस में. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मे और मे के सभी यूजेस जो है परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए लगाए जाते हैं. परमिशन यानी कि आज्ञा देने या आज्ञा लेने के लिए इसकी खास स्पेसिलिटी है. दूसरा पॉसिबिलिटी. अगर आप ये दो बातें याद कर लें कि हम मे और मे के सभी यूजेस का यूज, मे और मे के सभी यूजेस का यूज यानी कि प्रयोग आप कब करेंगे? जब आप किसी को परमिशन देंगे या परमिशन लेंगे. और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करेंगे. परमिशन की हिंदी होती है आज्ञा, इसमें आज्ञा देना भी होता है और आज्ञा लेना भी होता है. और पॉसिबिलिटी की हिंदी होती है संभावना, आप संभावना व्यक्त करें, यानी कि जो आपको मालूम नहीं है, जिस पे आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपनी बात रख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसको हम संभावना कहते हैं. अगर आप इन दो परिस्थितियों में मे और मे के सभी यूजेस का प्रयोग करते हैं तो आप कैन और कैन के सभी यूजेस का प्रयोग करने में भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आपको यही समझाऊंगा कि परमिशन और पॉसिबिलिटी के अलावा आप सभी जगह अगर आप कैन का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा. फिर भी इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं आपको एक्सरसाइज के साथ मैं अच्छी तरीके से बाकायदे रिएक्शन के साथ मैं आपको समझाता हूँ. तो सबसे पहला आप सेंटेंस देखें, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इसमें परमिशन ली गई है यानी कि आज्ञा मांगी गई है, तो आज्ञा मांगने के लिए आप मे का प्रयोग करें, जबकि आप कैन का यूज भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पर कैन का यूज करते हैं, सपोज यहाँ पर मुझे जो है मे का यूज करना है, अगर आप यहाँ पर कैन का यूज करते हैं तब और मे का यूज मैंने यहाँ पर किया तब, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है पोलाइटनेस का. किसका अंतर है? पोलाइटनेस का. विनम्रता का.
जब आप मे का यूज कर रहे हैं तो आप परमिशन किसी से मांग रहे हैं विनम्रता पूर्वक, आदर के साथ, नरम आवाज के साथ। जबकि आप कैन से जब किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो आपके शब्दों में, आपकी बातों में विनम्रता नहीं है, आदर की कमी है, सम्मान की कमी है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए जब हम किसी को अधिक सम्मान देते हैं, अधिक विनम्रता से, विनम्रता से, प्रेम भाव से परमिशन मांगते हैं, तब हम मे का यूज करते हैं। जो आपको रिएक्शन से कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो अंग्रेजी में कहेंगे मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू समथिंग। तो ये था रिएक्शन। लेकिन अगर आप कैन का यूज करेंगे तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क यू समथिंग। देखो रिएक्शन में अंतर। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बातें हैं ना, वो थोड़ी सी कैसी है, एग्रेसिव टाइप की। जबकि मे का यूज करेंगे तो आप कैसे करेंगे? एक्सक्यूज मी सर, मे आई आस्क यू समथिंग। तो आप देखेंगे दोनों में ही बोलने के एक्सेंट में भी अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों में मैं अपने जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि जहां पर मे का यूज हो जाता है वहां पर पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता आ जाती है, जबकि कैन के यूज में विनम्रता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए मे आई आस्क यू समथिंग हो गया इसका। कैन के यूज से ये वाला यूज ज्यादा सभ्यता पूर्वक है। इसीलिए कैन में भी मैंने बताया था कि कैन का यूज परमिशन लेने और देने में यूज कर लेते हैं, बट मे का यूज ज्यादा एप्रोप्रिएट और बेहतर है। क्योंकि जब हम किसी से परमिशन ले ही रहे हैं तो हमारा उसके प्रति आदर भाव और विनम्रता का भाव भी होना चाहिए। तो मैं आपको जब भी सजेस्ट करूंगा तो आपको यही करूंगा कि परमिशन लेने के लिए आप कैन की जगह पर मे का यूज करें, तो सामने वाला भी आपको अधिक रिस्पेक्ट देगा और आपको समझदार व्यक्ति समझेगा। जबकि दोनों का यूज ही सही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके नजरिए को रिप्रेजेंट करता है कैन और मे का डिफरेंस। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है ऊपर वाले ही पूछे गए क्वेश्चन या यूज हम जो मांगी गई परमिशन का आंसर है, यानी कि परमिशन दी है, जिसने कहा हाँ, तो हाँ को आप लिखेंगे यस, कॉमा लिखेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप यू मे आस्क कुछ भी को लिखेंगे एनीथिंग, यू मे आस्क एनीथिंग। अब देखिए अगर आप सोचेंगे यहाँ पर मैं मे की जगह पे कैन लगा दूं तब भी सही, बट अंतर क्या, आप फिर हमारे रिएक्शन देते हैं। यस यस यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग। बोलने वाले ने एक अलग अंदाज से, जिसकी शब्दों में विनम्रता नहीं है, इस तरह से रिएक्शन दिया, जबकि उसके शब्दों में भी आपकी तरह विनम्रता होगी तो वो कहेगा यस यू मे आस्क एनीथिंग, जी बिल्कुल आप कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके चेहरे पे पोलाइटनेस होगी, विनम्रता होगी। सो सी द नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल देते हैं। आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है, आज बारिश हो सकती है, मुझे नहीं पता ना आपको पता, लेकिन ये संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। जब संभावना व्यक्त की जाए तो आप मे का यूज करें और ऐसे सेंटेंस में इट से शुरुआत करते हैं और तब हो जाएगा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना व्यक्त की गई। अगर आप इसमें भी कैन लगा देते हैं तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे कि आप इंद्रदेव हैं और आप ही बारिश करेंगे, इसलिए आपको पहले से ही पक्का पता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह पेड़ से नीचे गिर सकता है, इसमें भी संभावना व्यक्त की। मैंने आपको पेड़ पे लटकते खेलते देखा तो मुझे संदेह हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़े, तब ये मैंने कहा वह पेड़ से नीचे गिर सकता है, संभावना व्यक्त की। गिर जाओगे ये मुझे पता नहीं है, गिर सकता है यानी कि संभावना व्यक्त की। तो इसलिए यहां पर भी आप यूज करेंगे ही मे फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री, तो संभावना व्यक्त की। अगला देखिए, वह सफल नहीं हो सकती, हो सकती यानी कि हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी आता है जिसमें है पीछे नहीं दिया होता है, बट वो सही है, प्रेजेंट है। वह सफल नहीं हो सकती है, कह लो, चाहे आप ये कह लो वह सफल नहीं हो सकती। अब हमने आपको ये भी बताया था कि मे और कैन दोनों ही प्रेजेंट में भी यूज किए जाते हैं और पास्ट में भी,
अगर आप यहाँ पर है लगाएंगे तो आपको लगेगा ये प्रेजेंट में है, बट इनफैक्ट अगर आप इसके टाइम पर जाएं, ये टेंस प्रेजेंट होगा लेकिन इसका जो टाइम है वो फ्यूचर होगा। वह सफल नहीं हो सकती या हो सकती है, यानी कि अभी परीक्षा नहीं दी है या अगर दे भी दी है तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, सफल होने या असफल होने का अभी कोई भी पता नहीं है। इट मीन्स संभावना व्यक्त की गई और आने वाले वक्त की यानी कि भविष्य की बात की गई, तो ये सेंटेंस फ्यूचर में हुआ लेकिन दिखेगा आपको प्रेजेंट में, क्योंकि अभी आपको एक पढ़ना है टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम का कंसेप्ट बड़ा ही एकदम VIP होता है, जिसमें आपको ये मैं बता दूं फिलहाल यहाँ पर कि ये सेंटेंस इसका टेंस प्रेजेंट है और टाइम फ्यूचर है। कैसे है बताएंगे फिर जब टेंस एंड टाइम पढ़ाएंगे तब। वह सफल नहीं हो सकती, देखिए शी संभावना व्यक्त की गई, शी मे नॉट सक्सीड, सफल होना की सक्सीड होती है। अगला देखें, वह घर चला गया होगा, ये आपका ये वाला रूल है जिसमें मैंने बताया था होगा होगी होगे, ये जब किसी सेंटेंस में इस तरह से होगा होगी होगे आया हो, और विशेष बात यह है कि बात कोई पास्ट की हो, जो पास्ट में हो चुकी हो, संपन्न हो चुकी हो, संपन्न हो चुकी हो तभी तो थर्ड फॉर्म आ रही, संपन्न हो चुकी हो लेकिन उसको रखा ऐसे गया है जैसे कि वो भविष्य की बात हो। तो देखिए एक एग्जांपल, वह घर चला गया होगा, बात गुजरे हुए वक्त की है लेकिन प्रस्तुत की गई है ऐसे जैसे कि फ्यूचर का हो, तब आप मे के साथ आए वो थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जबकि कैन वाले में भी कुछ ऐसा ही बताया था। बस कैन और मे में जो डिफरेंस होता है मैंने बताया वही होता है, क्या होता है, विनम्रता का डिफरेंस होता है और एक्सप्रेशंस का जो बताया था उसमें अलग एक्सप्रेशंस बताए गए थे, जैसे कि उसमें परमिशन और पॉसिबिलिटी है, उसमें कैपेसिटी एबिलिटी पावर कॉन्फिडेंट और परमिशन भी शामिल था, तो इसलिए उनके एक्सप्रेशंस में अंतर है और मेन अंतर जो है वो विनम्रता का भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही मे हैव गॉन हूँ, और दूसरा भी इसी प्रकार से है, उसने तुम्हें ऐसा बताया होगा, तो उसने के लिए शी लगा सकते हैं, शी मी हैव टोल्ड यू, और ऐसा के अंग्रेजी लिखेंगे सो, शी मी हैव टोल्ड यू सो। तो ये बच्चों हो गए, लेकिन अभी दो एग्जांपल बाकी हैं, एक मे बी का और एक मे हैव का, तो लाइए देखते हैं आगे भी, और अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, अभी थोड़ा और धैर्य रखकर बैठें। चलिए एक से दो एग्जांपल में मैं आपको समझा दूंगा। वह स्कूल में हो सकती है, तो देखिएगा इस सेंटेंस में क्या है, वह स्कूल में हो सकती है, तो यही तो मैंने बताया जब सेंटेंस में हो सकता है हो सकती है हो सकते हैं आया हो तो आपको मे भी लगाना है, क्यों, क्योंकि संभावना व्यक्त की गई, पता नहीं है कि वो स्कूल में है, संभावना व्यक्त की है कि वह स्कूल में हो सकती है, संभावना व्यक्त की, तो इसलिए यहाँ पर आप सेंटेंस को बनाएंगे शी मे बी इन द स्कूल। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल आप सोच लें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वे वहां नहीं हो सकते हैं, चलिए देखिए इसको भी बिल्कुल हम ऐसे ही बनाएंगे, वे वहां नहीं हो सकते हैं, दे मे नॉट बी देयर, और अब रह जाता है आपका मे हैव का यूज। चलिए देखते हैं दो एग्जांपल उसके भी बनाते हैं, एक मैंने सेंटेंस लिखा वह दो बाइक रख सकता है, वह दो बाइक रख सकता है, तो देखो ही मे हैव संभावना व्यक्त की गई, ही मे हैव टू बाइक्स, यानी कि उसके लिए दो बाइक्स
रखना, उनका पेट्रोल को बुझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए संभावना व्यक्त की गई कि वह दो बाइक रख सकता है। ही में है टू बाइक। अगला देखिए, अगला एग्जांपल मैंने लिखा, उनके पास कुत्ते हो सकते हैं, यानी कि संभावना व्यक्त की गई है कि उनके पास कुत्ते हो सकते हैं। डर है, खौफ है, पता नहीं है, और जब पता नहीं होता तभी संभावना को व्यक्त किया जाता है। तो उनके पास, तो उनके के लिए बच्चों हम लिखेंगे दे, और उसके बाद संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए दे मे हैव द डॉग्स, दे मे हैव द डॉग्स, क्योंकि पास हो सकता है, हो सकती है के लिए भी मे हैव का यूज करते हैं, और रख सकता है और रख सकती है, रख सकते हैं के लिए भी मे हैव का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन मेरा एक बार फिर सजेशन कि आप कैन और मैं दोनों को एक साथ देखें, ताकि दोनों में आप कंपटीशन कर सकें और दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकें और अंग्रेजी में सही यूजेस सीख सकें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बेल आइकन में भी नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस करें जो कि टॉप के ऊपर ऑल के साथ में लिखा रहेगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, कमेंट्स करें, और हाँ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।